अब आपको बताएं कि पीपी रहनुमा सरदार लतीफ खोसा के बेटे पर फायरिंग का मामला। पुलिस ने लतीफ खोसा के बेटे बलख शेर की मदद में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा थाना मुस्लिम चौंद में दर्ज किया गया है। इस बारे तफसीलात जैन अली से जानते हैं। जैन बताइएगा। बिल्कुल, गुज़िश्ता रात पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर वकील सरदार लतीफ खोसा के बेटे बलख शेर पर फायरिंग का वाकया पेश आया था। पुलिस ने थाना मुस्लिम टाउन में बलख शेर की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर में उनके बयान के मुताबिक वो पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े दोस्त का इंतजार कर रहे थे। इतने में दो मोटरसाइकिल सवार आए जिनकी उम्र 20 से 22 साल थी। मुलजमान ने गाड़ी के ड्राइवर साइड पर आकर गाड़ी के शीशे को पिस्टल से खटकाया, जिस पर उन्होंने फौरी गाड़ी भगा दी। मुलजमान ने पीछे से मारने की नीयत से मुझ पर सीधा फायर चलाया तो मेरे बाजू पर लगा। जी जी ठीक है जैन अली, आपका शुक्रिया।